नमस्कार दोस्तों, स्मार्टफोन वर्ल्ड में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं अक्टूबर महीने में लॉन्च होने वाले न्यू और लेटेस्ट स्मार्टफोन की एक लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो पार्ट में हम आपको बताएंगे कि अक्टूबर महीने में कौन कौन से न्यू स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किए जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अक्टूबर महीना नजदीक आ रहा है, मार्केट में कौन कौन से नए स्मार्टफोन अक्टूबर महीने में हमें देखने को मिल जाएंगे, किस स्मार्टफोन के साथ में कौन कौन से फीचर्स होंगे, किसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक बार पुनः मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें इस तरह के वीडियो लगातार बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहली न्यूज Xiaomi की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi की तरफ से Xiaomi Redmi 10 Pro स्मार्टफोन मार्केट में अक्टूबर के लास्ट सप्ताह तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। Redmi Note 10 Pro हमें ऑक्टाकोर 2.4 GHz प्रोसेसर के साथ में स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट के साथ में अवेलेबल होगा, जिसमें 6GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी हमें इसी स्मार्टफोन के साथ में मिल जाएगी। अगर कैमरे की बात करें तो यहाँ पर हमें 64MP का क्वाड सेटअप में रियर कैमरा मिलेगा, वहीं फ्रंट कैमरा इस स्मार्टफोन के साथ में हमें 32MP का मिल सकता है। इस स्मार्टफोन के साथ में हमें 5100mAh की बैटरी लगेगी, वहीं चार्जिंग के लिए फास्ट चार्जिंग सपोर्ट सी टाइप का यहाँ पर पोर्ट हमें मिल जाता है। और अगर हम इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले हमें यहाँ पर मिलती है 6.7 इंच की 2.5D कर्व ग्लास और 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में 393 PPI पिक्सल डेंसिटी है इसकी। और अन्य फीचर्स की बात करें हम इस स्मार्टफोन के, तो ये स्मार्टफोन हमें फिंगर सेंसर साइड पैनल पर अवेलेबल करवाता है। वही कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी हमें यहाँ पर नेटवर्क इस स्मार्टफोन के साथ में 5G सपोर्टेड है, यानी कि इस स्मार्टफोन के साथ में हम 5G सिम यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी तक इंडिया में 5G नेटवर्क अवेलेबल नहीं हुआ है, तो अभी तक तो हमें 4G नेटवर्क से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जब भी इंडिया में 5G नेटवर्क अवेलेबल हो जाएगा तब ये 5G सिम कार्ड को भी सपोर्ट कर लेगा। इन सभी खूबियों के साथ में ये स्मार्टफोन मार्केट में एक्सपेक्टेड 18,999 रुपए में उपलब्ध हो सकता है। वैसे दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि Xiaomi की तरफ से अभी इसकी लॉन्चिंग डेट, इसके फीचर्स और रेट के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है, सारी जानकारी मार्केट अफवाह पर ही आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में नंबर 2 पर हम लेते हैं Realme को। Realme की तरफ से भी एक मिड प्राइस रेंज वाला स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया जाने वाला है। ये स्मार्टफोन अक्टूबर मिड तक मार्केट में शायद संभवतः लॉन्च किया जा सकता है। Realme की तरफ से Realme V5 स्मार्टफोन, पूरी तैयारी चल रही है इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने की। तो दोस्तों आपको बता दूं कि Realme V5 में हमें ऑक्टाकोर 2 GHz प्रोसेसर के साथ में MediaTek Dimensity 720MT 6853 चिपसेट लगा होगा और कंपनी इस स्मार्टफोन को 6GB और 128GB वेरिएंट के साथ में मार्केट में लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें बैटरी मिलेगी 5000mAh की पावरफुल बैटरी, फ्लैश चार्जिंग, यूएसबी टाइप सी सपोर्ट के साथ में। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर हमें 6.5 इंच की IPS LCD मिलेगी, जिसकी 405 PPI पिक्सल डेंसिटी होगी और 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में इसका टच रेस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ होने वाला है। इसी स्मार्टफोन के साथ में हमें नेटवर्क सपोर्ट 5G मिल जाता है, साइड पैनल फिंगर सेंसर है, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी इस स्मार्टफोन के साथ में आपको मिल जाएगा और ये स्मार्टफोन मार्केट में 16,190 रुपए में अवेलेबल हो सकता है। और वैसे आपको बता दूं कि इसकी लॉन्चिंग डेट 29 अक्टूबर 2020 अनुमानित है। चलिए नेक्स्ट, अगली कड़ी में हम नजर डालते हैं सैमसंग पर। सैमसंग की तरफ से अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में लॉन्च किया जा सकता है मिड प्राइस रेंज वाला सैमसंग गैलेक्सी F41। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F41 ये स्मार्टफोन ऑक्टा कोर 2.3 GHz प्रोसेसर वाला सैमसंग
एक्जिनोस 9 ऑक्ट्रा 9611 चिपसेट कॉम्बिनेशन के साथ में लॉन्च किया जाएगा। स्मार्टफोन की रैम 6GB और इंटरनल मेमोरी 64GB हो सकती है। यहाँ पर मेन कैमरा ट्रिपल सेटअप में 64MP वाला और फ्रंट कैमरा 32MP के सिंगल कैमरा कॉम्बिनेशन के साथ में। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन के साथ में हमें 6000 mAh की जंबो बैटरी मिलेगी, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में सी टाइप चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल होगा। फोन की डिस्प्ले 6.3 इंच की सुपर एमोलेड होगी, 403 पिक्सल पर इंच डेंसिटी के साथ में 1080x2400 पिक्सल का रिजोल्यूशन होगा, जो काफी अच्छा लुक देने वाली होगी। अदर फीचर्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन 4G नेटवर्क बेस्ड होगा, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन से भी लैस है और फिंगर सेंसर इसमें रियर साइड में दिए गए हैं। इस स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 15,999 रुपए हो सकती है। अगले नंबर पर हम ले रहे हैं नोकिया को। जी हाँ दोस्तों, नोकिया की ओर से भी अंडर 20,000 प्राइस रेंज में एक स्मार्टफोन नोकिया 63 नाम से मिड अक्टूबर तक मार्केट में ला रहा है। जानकारों की माने तो ये स्मार्टफोन ऑक्टो कोर प्रोसेसर वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट के साथ में आएगा, जिसमें 6GB रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी अवेलेबल होने वाली है। कैमरे के मामले में आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, केवल 24MP का रियर कैमरा और 13MP का फ्रंट कैमरा अवेलेबल होगा। बैटरी भी हमें यहाँ पर केवल 4200 mAh की मिलने वाली है और चार्जिंग पोर्ट सी टाइप क्विक चार्जिंग सपोर्ट वाला मिलेगा। डिस्प्ले हमें यहाँ पर 6.39 इंच की IPS LCD वाली मिलेगी और एक्सपेक्टेड प्राइस इस स्मार्टफोन की 14,999 रुपए होगी। ज्यादा खास कुछ नहीं मिलने वाला है हमें इस स्मार्टफोन के साथ है। तो धन्यवाद दोस्तों। वैसे तो और भी कई स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्चिंग की तैयारी में है, लेकिन इन 4 स्मार्टफोन को ही आज के वीडियो में इंक्लूड किया गया है। वैसे अगर आप भी मिड प्राइस रेंज वाला स्मार्टफोन की खरीदने की तैयारी में है तो इन 4 स्मार्टफोन में से आप कौन सा खरीदना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और जाते जाते एक बार पुनः याद दिला दूं कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।